नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे 14 अगस्त 1947 की वो काली रात जब हमारे देश का विभाजन हुआ। तो आइए जानते हैं दोस्तों तारीख थी 14 अगस्त 1947 की। आज से लगभग 75 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आजादी का लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अखंड भारत हिस्सों में बंटने की तैयारी पर था। रात के करीब 9 बज रहे थे, बिजली के गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसेना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों के तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंट वेटर वॉयस राय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आजाद होने में। कुछ लोग के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों के चेहरे पर उत्साह। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपना स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत दो लाइनों से कुछ इस प्रकार होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लेप्ट, इंडिया विल बी अवेक। देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आजादी के सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश का आजादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पे खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे, और जो लोग अपने घरों में भाषण और सब कुछ रेडियो पे सुन रहे थे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आजाद परिंदा हो गया था जिसे हम लोग करीब 200 सालों से इंतजार कर रहे थे। 14 अगस्त 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने साथ ली, और जिसके बाद ब्रिटिश का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसे हम वर्षों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोआखली में थे, राज्य में शांति कायम करने के प्रयास में थे। जानकार बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण पूरे देश ने सुना था, गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात की वो सोए तो थे गुलाम दस में, लेकिन सुबह उनकी आजादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आजादी में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने में था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिए। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले भाइयों की जिंदगी जी रहे थे, वे अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत दो हिस्सों में बट गया, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस समझते थे वे वहां चले गए, जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस करते थे वे यहां पे आ गए। कहा जाता था कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर थे, उन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय दुनिया का समय का सबसे बड़ा विस्थापन था, और ये सारा खेल अंग्रेज के हुकूमत का ही था, जिसमें डिवाइड एवं रूल का खेल पहले से ही खेल रहा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीज भर दिए थे। वर्षा आजादी के पहले तक सभी भाइयों के तरह साथ में जी रहे थे। अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा अस्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा, और इसी वजह से सारा फसाद शुरू हुआ जो 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आजाद कराने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी, और इसी वजह से ब्रिटिश माउंट बेटन का भारत का आखिरी वॉइस राय बनाया गया था, ताकि इसके बाद भारत को आजाद देश घोषित कर दिया जाए। भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे, और यही ब्रिटिश चाहते भी थे,
क्योंकि यह लड़ाई के चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी जो आग बनकर अभी तक हमारे सीने में जल रही है। लेकिन दोस्तों इससे भी अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिश ने हमारे साथ बहुत जुल्म किए जो हम याद करें तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बरातियों के तरह विदा किया गया। 1500 ब्रिटिश की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी, वही आखिरी टीम एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिश सैन्य आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी तो उन्हें बैंड बाजा के साथ विदा किया गया। उसी दिन सारे ब्रिटिश का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। दोस्तों ये थी हमारी आजादी की पूरी कहानी। लेकिन इस समय भारत का रक्षा करते समय कितनी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जान गंवा दी थी और कई लोग अपना आखिरी सांस तक हमारे देश के लिए लड़ते रहे, क्या वह देश हम बना पाए या नहीं, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।